जनपद अमरोहा के 5 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है डीएलएड की परीक्षा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के आदेशों पर आज पूरे प्रदेश में डीएलएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में डीएलएड की परीक्षा को लेकर 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है और ये परीक्षा 2 पालियों में संचालित होगी है और इस परीक्षा में 1935 छात्र छात्रा परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं आज अमरोहा शहर के 5 परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही छात्र छात्राओं की जनसैलाब उमड़ रहा है, जहां सभी छात्र छात्राएं पूरी उत्साह लगन के साथ इस परीक्षा में प्रतिभा कर रहे हैं। हालांकि सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की बारीकी से तलाशी की जा रही है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां प्रत्येक छात्र छात्रा पर सीसीटीवी कैमरे द्वारा परीक्षा प्रशासन की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हालांकि इस परीक्षा में मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य उपकरण वर्जित है। इस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। आज जनपद अमरोहा में डीएलएड की मुख्य परीक्षा 2023 प्रथम बैच की आयोजित की जा रही है और पूरे अमरोहा जनपद में 5 सेंटर बनाए गए हैं। उन 5 सेंटरों पर कुल 1935 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। परीक्षार्थियों के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल और ब्लूटूथ वॉच ये सब प्रतिबंधित हैं और परीक्षा पूरी तरीके से कैमरों की निगरानी में की जा रही है। सभी सेंटरों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और पुलिस की भी संपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए हमारा प्रयास है कि परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। ये परीक्षा जो हमारा बोर्ड होता है डीएलएड का, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज सचिव उनके दिशा निर्देशों पर की जाती है।